बिरंगे नाचते घूमते ये खिलौने ही तो हैं जो पल भर में आपको आपके बचपन की ओर खींच ले जाते हैं, फिर चाहे आप किसी भी उम्र में हो। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। खिलौनों ने न केवल हर किसी के बचपन को संवारने का काम किया है, बल्कि इन्होंने खेल खेल में हमको और आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, जिसे यूं समझने में बहुत समय लग जाता। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे भारतीय पारंपरिक खिलौने कहीं पीछे छूट गए थे। अब जाकर इन खिलौनों ने वापसी की राह पकड़ी है। अब नई ऊर्जा और नए कलेवर के साथ ये तैयार हैं नौनिहालों का फिर से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करने के लिए, साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति और मिट्टी से जोड़ने के लिए। वो बचपन का लट्टू, मिट्टी की हाथ गाड़ी, कागज की सांप, चरखी, लकड़ी के घोंसले की गुड़िया, बीते समय के साथ हर किसी की यादों में रह गए। शायद आज आप अपने बच्चों के हाथों में ये खिलौने देखते भी नहीं हैं, और बाजारों से भी ये लगभग गायब से हैं। इन सब की जगह ले ली है आधुनिकतम तकनीक से बने इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक्स वाले खिलौनों ने। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही खिलौने बाल मन और हट को न केवल साधने के जरिए थे, बल्कि परंपराओं और संस्कृति के वाहक भी थे। साथ ही खिलौनों ने बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया भी है। इसी ताकत को पहचानते हुए विश्व स्तर पर भारतीय खिलौना बाजार को नई पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया गया। लक्ष्य एक है, देश की श्रेष्ठ परंपराओं को और मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत की राह पर आगे बढ़ना। भारतीय परंपरागत खिलौना उद्योग भी उन्हीं में से एक है जो सदियों से देश विदेश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक उत्कृष्टता, प्राकृतिक स्वरूप और सरलता के लिए आकर्षित करता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पे के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बाहर अपने मित्रों के साथ कंदुक यानी बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों को में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, वैसे वैसे इसका असर खिलौनों पर भी देखा गया। आज पूरे विश्व में ये एक समृद्ध व्यापार का रूप ले चुका है। लगभग 7 लाख करोड़ की ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में देसी खिलौना व्यवसाय की भागीदारी की बात करें तो ये योगदान बेहद कम है। जबकि आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक खिलौनों की तुलना में सरल और सस्ते हैं। सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े हमारे खिलौनों में आज भी वो ताकत मौजूद है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जरूरत है तो बस बदलती रुचि और माहौल के हिसाब से ढलने और आधुनिकता से जुड़ने की। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है
और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। भारतीय खिलौना उद्योग के सालाना व्यापार की बात करें तो लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ इसकी ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में भागीदारी महज 0.5% है। देश में खिलौना निर्माता ज्यादातर मध्य भारतीय राज्यों में दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी NCR, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और टॉय क्लस्टर्स में फैले हैं। साथ ही 90% देसी खिलौने उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें लगभग 4000 छोटे और मध्यम उद्यम भी शामिल हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर 0.5% के आकार के लिहाज से देसी खिलौना बाजार के पास विकास की भी अपार संभावनाएं और अवसर हैं, जिसके तहत साल 2024 तक देसी खिलौना कारोबार के लगभग 2 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आने वाले सालों में घरेलू खिलौना उद्योग में मांग 5% के वैश्विक औसत के मुकाबले 10 से 15% तक बढ़ने का भी अनुमान है, जिसका मुख्य आधार प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी है, जिसमें 2027 तक लगभग 2.5 गुना का इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार देसी खिलौना उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार व्यापारियों और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। इतनी अपार संभावनाएं हमारे देश में खिलौना जगत से हैं, अपार रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर ग्लोबली 7 लाख करोड़ का टॉय मार्केट है, उसमें से भारत की भागीदारी मात्र 0.5% है। इस 0.5% को हम कैसे आगे लेके जा सकें, इसका सरकार ने उद्घोष कर दिया है, बिगुल बजा दिया है और हम सब खिलौना वालों ने भी कमर कस ली है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कुछ फैसलों से भी आने वाले समय में देसी खिलौना बाजार की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में साल 2020 में विदेशी आयातित खिलौनों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया था। गुणवत्ता नियंत्रण का ये फैसला घरेलू बाजार में सस्ते सब स्टैंडर्ड खिलौनों के फ्लो को रोकने के तरीकों में से एक है। वहीं खिलौना व्यवसायी भी मानते हैं कि आधुनिकता से जुड़े बिना वैश्विक स्तर की मांग को पूरा कर पाना मुश्किल है। हमारे भारतीय खिलौने किसी भी तरह से पीछे नहीं है, सिर्फ एक माहौल बना हुआ है विदेशी विदेशी विदेशी। हमारी खिलौने संस्कृति बहुत पुरानी है और हम नई टेक्नोलॉजी ला करके नई टेक्नोलॉजी से अपने खिलौने व्यापार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जमाना बदल गया है, अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। मैं एक जीता जाता उदाहरण अपना देता हूँ। मैं लकड़ी के खिलौने बना रहा हूँ, कुछ खिलौने बनारस में बन रहे हैं, कुछ सहारनपुर में बन रहे हैं, कुछ चिन्नापटना में बन रहे हैं। वो ट्रेडिशनल तरीके से उन खिलौनों को बनाते 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 आ रहे हैं। मैंने अपने खिलौने में नई रूपता लाई। मेरा छोटा ब्रदर एमटेक आईटी कानपुर है, उसने मशीनों के साथ में ऐसा समावेश किया, टेक्नोलॉजी और मशीनों को मिला करके हम लोगों ने नए तरह के खिलौनों के आविष्कार किए और उस आविष्कार में हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और ये आविष्कार लगातार चलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है, जिनका लक्ष्य ही देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। पुराने समय से ही खिलौने समाज के विकास की अहम कड़ी रहे हैं। भारत में खिलौने का प्रयोग काफी पुराना है। लंबे समय से बच्चे खेल और खिलौनों के माध्यम से ही अनेक बातें सीखते आए हैं, खासकर शुरुआती वर्षों में। फिर चाहे गुल्लक के जरिए पैसे बचाने की जुगत हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की कला या फिर गुड़िया के लिए कपड़े बनाने की समझ, ये खिलौने ही तो थे जो भविष्य की कई जिम्मेदारियों के लिए नौनिहालों को जाने अनजाने तैयार करते थे, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों को मजबूत करने का काम किया। हमारे खिलौने परंपरा और संस्कृति को संजोए पूरी दुनिया में भारतीयता का संदेश देते आए हैं। फिर चाहे राजस्थान की कहानी कहती कठपुतलियां हों या हाट बाजार में बिकने वाले धनुष, बांसुरी और सारंगी, इनमें राम कथाएं हैं,
कृष्ण लीलाएं हैं और ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाएं भी। आज जरूरत है इनको सहेजने, सवारने और आधुनिकता से जोड़ने के साथ साथ अपने नन्हे मुन्नों को इनसे रूबरू कराने की। परंपरागत तौर से देश में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। समय बीतने के साथ ही कपड़े और लकड़ी के खिलौनों ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। शुरुआती तौर पर खिलौने बनाने का काम घरेलू उद्योग की तरह ही था। ये बहुत से लोगों का पुश्तैनी पेशा था। ऐसे में जिन स्थानों पर इस काम के पुश्तैनी परिवार रहते थे, उन्हें स्थानों पर इस उद्योग के केंद्र बन गए। मिट्टी के खिलौनों के अलावा देश में कई जगहों पर पेपर मैशी के खिलौने बनाने का भी चलन रहा है। पेपर मैशी से बने खिलौने थिएटरों और रामलीला के दौरान देखे जाते थे, जिसमें देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चेहरे बनाए जाते थे, जिनका चलन अब काफी सीमित हो चुका है। इसके अलावा परंपरागत रूप से कला की तरह आगे बढ़ने वाले कुछ खास खिलौने ऐसे हैं जिन्होंने देश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। राजस्थान की कठपुतलियां उन्हीं में से एक हैं, जिनकी विदेशों में खासी डिमांड है। कठपुतली वास्तव में खेल या प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन अब इसे सजावट के लिए भी खरीदने का चलन है। वहीं बच्चे भी इसमें खासी रुचि लेने लगे हैं। राजस्थान घूमने आने वाले विदेशी अक्सर अपने साथ कठपुतलियां लेकर जाते हैं। ये हैं तंजौर डॉल्स, पारंपरिक भारतीय खिलौना बनाने की कला का अनूठा नमूना। आपने भी कई जगह या फिल्मों में ये देखी होंगी, जिनका सिर और शरीर ऐसे हिलता है जैसे कि ये नाच रही हैं। इन नृत्य करने वाली गुड़ियों की भी विदेशों में खासी मांग है। वहीं आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा जिले में बने लकड़ी के कोंडापल्ली खिलौने भी काफी प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश के औद्योगिक कस्बे कोंडापल्ली की पहचान ही इन खिलौनों के कारण है। खिलौनों में पहले अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में एक साथ जोड़ दिया जाता है। कोंडापल्ली खिलौनों में भारत के ग्रामीण जीवन की झलक देखी जा सकती है। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के निर्मल खिलौने भी अपने कलात्मक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये खिलौने ना तो आसानी से टूटते हैं और ना ही खराब होते हैं। इसके कारीगरों को हर कोण से किसी वनस्पति या पक्षी का अध्ययन करके हूबहू उसकी नकल उतारने में महारत हासिल है। देसी परंपरागत खिलौनों की बात एक चन्ना पटना खिलौनों के बिना अधूरी सी लगती है। कर्नाटक के खिलौनों के शहर के नाम से प्रसिद्ध चन्ना पटना के लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत यहाँ के खिलौने ही हैं। चन्ना पटना खिलौने एक प्रकार के लकड़ी के खिलौने हैं। पुराने समय में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गुलर, देवदार, रबर वुड, पाइन वुड की लकड़ियों से किया जाता है। खास बात यह है कि इन खिलौनों को GI टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल भी किया जा सकता है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर उन उत्पादों को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती है और बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। इस परंपरागत खिलौना की कला को अगर नए विचार और आधुनिकता से जोड़ा जाए तो भारतीय खिलौना जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। देश के विभिन्न टॉय क्लस्टर के इन खिलौनों के अलावा पूरे देश में अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग खिलौने हैं। वो फिर चाहे चिनार, विल्लो और फर से बने कश्मीरी खिलौने हों, आम अमरूद की लकड़ी का उत्तर प्रदेश का खिलौना बाजार या चीड़ देवदार से बने उत्तराखंड के खिलौने, ये सभी कहीं न कहीं भारतीय खिलौना उद्योग की अहम कड़ी है, जिन्हें मुख्य आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। परंपरागत खिलौनों के अलावा देश में आजकल आधुनिकतम तकनीक
रोबोटिक्स और आरवीआर एक्सआर से लबरीज मॉडर्न खिलौनों का बड़ा बाजार है, जो समय और बच्चों की जरूरतों के हिसाब से हर रोज एक आयाम ले रहे हैं, जो सोच से परे है, जहां परंपरागत खिलौनों को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए आधुनिकता से जोड़े जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं आधुनिक खिलौनों में भारतीयता का समावेश करने के लिए वैश्विक निजी और खिलौना निर्माता से लगातार संवाद किया जा रहा है। असली खिलौने वही हैं जिन्हें बच्चे पूरा करें। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कही इस बात से ये साफ है कि खिलौने केवल मनोरंजन भर का जरिया नहीं है, बल्कि ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये बच्चों को संभावनाओं के ऐसे संसार में ले जाते हैं जहां उनकी कल्पना को नए पंख मिल जाते हैं। खिलौने बच्चों की इंद्रियों, समस्या समाधान, कौशल विकास और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा में खिलौने को भी जोड़ा गया है। नजरिया साफ है, खेल खेल में सीखने सिखाने की परंपरा को बढ़ावा देना ताकि बच्चों की कक्षाओं को रोचक बनाया जा सके, ताकि पाठ्यक्रम पूरा करने या अंक लाने की होड़ से इतर बच्चों में रचनात्मक रवैया विकसित किया जा सके। इसी विजन के साथ भारतीय खिलौने उद्योग के समग्र विकास पर विचार विमर्श करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस विजन के साथ भारतीय खिलौना उद्योग की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया गया। अपनी किस्म का ये पहला टॉय फेयर पूरी तरह वर्चुअल रहा, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों समेत सभी हितधारकों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। इस डिजिटल मेले में देश भर के 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता अपने खिलौनों के साथ पेश हुए, जिसमें देश भर में करीब 60 टॉय क्लस्टर परंपरागत खिलौनों के साथ साथ फन टॉय, साइंस टॉय, इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक टॉय की तमाम किस्में शामिल रही। इस मेले में न केवल खिलौनों का प्रदर्शन किया गया, बल्कि खेल जगत से संबंधित तमाम हितधारकों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खिलौना उद्योग की हालिया स्थिति, चुनौतियों, बाजार की जरूरतों के अलावा खिलौनों और उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े तमाम आयामों पर चर्चा का भी आयोजन हुआ। अलग अलग समय पर आयोजित ये चर्चाएं खिलौनों के प्रकार, डिजाइन, बच्चों के विकास पर उनके पढ़ने वाले प्रभाव, जेंडर न्यूट्रल टॉय, खास जरूरतों के बच्चों के लिए खिलौने, दुनिया भर में खिलौनों के ग्लोबल ट्रेंड जैसे विषयों पर आधारित थी, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने सुझाव साझा किए। इसमें खिलौनों को शैक्षिक उपकरण से जोड़कर सीखने पढ़ने के तरीकों को नया रूप देने पर खासा जोर दिया गया। In the first few years of a child, the amount of information that it is able to gain without the limitations of, the limitations that we introduce into ourselves through strict methodologies and very well-defined lines of education and so on, we somewhere lose the element of play and game and toys that should be stimulating us into a world of creativity and innovation. And therefore, I think the scientific research on this has been tremendous. Scientific research has revealed that whenever you approach anything in a spirit of fun, in a spirit of play, the amount of learning that you have and the amount of creativity that you are able to instill in yourself and the outcomes of that in terms of productive research or outcomes is several times a multiple of just a standard way of educating. वहीं जेंडर न्यूट्रल टॉय जैसे विषय पर चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने खिलौनों को लड़का लड़की की श्रेणी में ना बांटे जाने की बात कही। उन्होंने खिलौनों को जेंडर के बजाय लर्निंग कॉन्सेप्ट के आधार पर विकसित करने को समय की मांग बताया, जिससे भविष्य में सभी बच्चों में समान कुशलता का विकास किया जा सके।
when we limit children's ability to play with certain kinds of toys. And we know that there can be a lot of discomfort where when we say this game involves jumping, we'll often hear something like, I think my boy will enjoy it. Girls like to jump as well. Girls can also enjoy rough and tumble play. But we see that sometimes those stereotypes exist and they dictate the choices of parents when they are buying toys. When we don't allow kids this exposure, what we see is that children feel limited in the choices that they have, the kind of activities that they can choose. And that directly impacts the kind of academic subjects that they want to choose, want to study, and the jobs they'll come to hold. वहीं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय पारंपरिक खिलौनों के विकास के लिए नई सोच को जरूरत बताया। My attention was drawn to the old good game of Monopoly, a game that got inspired from the landlord's game, which came to be in 1903. Is a game I always wondered how would it look if it had Indian hallmarks and legacies. So instead of British streets and landlords, what if we had an Indianized version of the same? And I'm happy that Sanjeev spoke about having that game available now in a local language. But there is a need to reimagine our traditional toys. And as the Honorable Prime Minister has implored, of the 60 toy clusters in our country, 13 are specifically dedicated to handcraft. Can we look at reimagination of traditional toys so that, yes, we make it in India, but we make it for the global playground? As you are mostly aware, we have the new education policy, which gives a new impetus not only to learning with toys, but also procurement of toys in learning facilities, especially those who are aided by the government of India. वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के निर्माण पर जोर दिया। The formula for success is to connect psychology to technology and eco-friendly to ecosystems. When all of these get connected in our toys ecosystem, when they become more eco-friendly, when we are able to make the toys more relevant to the formative growing up years of our children, when technology can be put to best use, we can, I think, really give a big boost to the toy industry. It can not only meet the needs of India, but also we can become a global player in the toy segment. खिलौनों के इस मेले से भारतीय खिलौना बाजार को एक नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद की जा रही है। खिलौना बाजार को बढ़ाने के लिए जिन खास बातों को केंद्र में रखा गया है उनमें भारतीय संस्कृति और परंपराएं, गुणवत्ता के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के सभी आयाम शामिल हैं। वर्चुअल फेयर के अलावा जल्द ही वास्तविक प्रदर्शनी के जरिए भी भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को गति देने की योजना है। गिनती गिननी हो, जोड़ घटाना सीखना हो, गुणा भाग या फिर संतुलन का सिद्धांत, खिलौने हमारी व्यवहारिक समझ विकसित करने में हमेशा से मददगार साबित होते रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इन्हें जीवन में आत्मसात करके पुनर्जीवित करने की। वहीं नई शिक्षा नीति में जिस तरह से खिलौनों को शामिल किया गया है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हमारे बच्चे इन्हीं खिलौनों के जरिए कठिन से कठिन पाठ और फलसफे को आसानी से समझ सकेंगे। राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।